यूपी के चंदौसी जिला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चंदौसी के गांव मोहम्मदपुर बावई निवासी फरमान ने धर्म छिपाकर महिला को प्रेम जाल में फंसा लिया और उसे भगाकर चंडीगढ़ ले गया और इसी के साथ महिला द्वारा बेटे का संस्कार कराने का दबाव बनाने पर आरोपी युवक की हकीकत का पता चला और विरोध करने पर आरोपी ने महिला के साथ मारपीट की और नकदी लेकर गांव भाग आया। जी हां, महिला ढूंढते हुए आरोपी के गांव पहुंच गई और पुलिस को तहरीर दी है। साथ ही चंदौसी के थाना बनियाठेर क्षेत्र के गांव मोहब्बतपुर बावई निवासी फरमान बिहार के जिला मोतिहारी थाना में रहते हैं और इसी के साथ उन्होंने ये आरोप लगाया कि वहां के पास में रहने वाली महिला को आरोपी ने अपना नाम अजय बताया और उसे प्रेम जाल में फंसा लिया और इसी के साथ पीड़ित महिला ने पुलिस को ये बताया कि वहां से आरोपी 29 मार्च को उसे अपने साथ चंडीगढ़ भगा ले आए और महिला अपने साथ 4 साल के बेटे को ले गई थी तथा उनके घर में रखी 7.5 लाख रुपए और जेवर भी ले आई और इसी के साथ 1 माह साथ रहने के बाद आरोपी ने उसे श्रृंगार करने के लिए मना करने लगा और बेटे का संस्कार कराने के लिए कहने पर महिला को शक हुआ और उसने आरोपी का आधार कार्ड चेक किया तो उसमें नाम फरमान व पता चंदौसी के गांव का नाम निकला और साथ ही इसी के बाद महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की।